वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑन बिगिनर जावा प्रोग्रामिंग। और आज हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत तरह के लूप्स होते हैं हमारे पास। वाइल लूप्स होते हैं, डू वाइल लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स होते हैं, फॉर ईच लूप्स होते हैं। बहुत तरह के लूप्स होते हैं जावा में। और लूप क्या होता है? लूप का मतलब कि बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रहे हो, लूप का मतलब यही होता है। तो आज हम सबसे बेसिक लूप पढ़ने वाले हैं और वो होता है वाइल लूप। तो पहले मैं आपको पहले आप आउटपुट देख लो कि वाइल लूप करता क्या है, कि मैं करना क्या चाहता हूँ कि प्लीज़ एंटर होल नंबर। अगर मैं लेट सपोज 5 इनपुट करूँ तो फिर आपको 0 1 2 3 4 5 5 तक सारे होल नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं, 0 1 2 3 4 5। अगर मैं फिर से रन करूँ और इस बार मैं 10 इनपुट करूँ तो फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक सारे होल नंबर्स प्रिंट हो जाते हैं। तो मैं वाइल लूप से एक और करना चाहता हूँ। या अगर वाइल लूप इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि आप सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो। इस केस में मैं एक नंबर बार बार प्रिंट कर रहा हूँ और इस नंबर को इंक्रीज कर ही जा रहा हूँ। तो देखते हैं मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ। पहले तो मैंने एक स्कैनर बनाया। स्कैन से मैं यूज़र इनपुट ले रहा हूँ, प्लीज़ एंटर होल नंबर। अगर आपको स्कैनर का पता नहीं है स्कैनर होता क्या, तो पिछले लेसन में मैंने स्कैनर क्लास को कवर कर दिया था। और अब यूज़र इनपुट स्कैन कैसे करते हो, तो यहाँ मैंने यूज़र इनपुट स्कैन कर लिया, उसे नम के अंदर डाल दिया, इंट नम। और फिर एक और इंटीजर लिया इटरेशंस। इटरेशंस नॉर्मली लूप्स के लिए यूज़ करा जाता है कि कितनी बार उस लूप को इटरेट कर रहे हो, कितनी बार चला रहे हो, एक बारी, दो बारी, तीन बारी। तो इसलिए मैंने इसका नाम इटरेशंस रखा है, इस वेरिएबल का नाम। और इनिशियली ये है 0। तो ये हमारा वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है, इन पैरेंथेसिस के अंदर एक बूलियन एक्सप्रेशन आती है, एक बूलियन एक्सप्रेशन आती है इन पैरेंथेसिस के अंदर। मैंने क्या लिखा है कि इटरेशंस इज लेस देन इक्वल टू नम, मतलब कि इटरेशंस इज लेस देन इक्वल टू नम। तो वाइल लूप चलता कैसे है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक बूलियन कंडीशन ट्रू है, जो भी आपने यहाँ अंदर लिखा चलेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये नहीं चलेगा, ये बाहर आ जाएगा। तो इसे एक बार देखते हैं क्या और क्या चल रहा है यहाँ। मैंने लेट सपोज नम की वैल्यू मैंने फाइव इनपुट करी नम की वैल्यू, इटरेशंस इनिशियली 0 है। तो हमारे पास आता है केस 1। केस 1 में 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये तो ट्रू है, ये ट्रू है। तो हम वाइल लूप के अंदर आ जाते हैं, हम इटरेशंस प्रिंट करते हैं, इटरेशंस की वैल्यू क्या है 0। तो 0 प्रिंट आउट हो गया सबसे पहले। और फिर इटरेशंस इज इक्वल टू इटरेशंस प्लस 1, ये क्या कर रहा है, इटरेशंस की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर रही है। ये होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट का मतलब है कि आप इटरेशंस प्लस 1 पहले कैलकुलेट करो कि अभी 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो गया, और फिर इस एक्सप्रेशन को वापस इटरेशंस में डाल दो। तो इटरेशंस इज इक्वल टू इटरेशंस प्लस 1, ये 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है इटरेशंस को। और अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी थी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो हम वापस ऊपर आ जाते हैं और कंडीशन चेक करते हैं फिर से। अब क्या हो गया, केस 2, इटरेशन नंबर 2 में 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू है, हम अंदर 1 प्रिंट कर देते हैं और फिर इटरेशंस 2 हो जाता है। तो फिर आप ऐसे हम चलते रहते हैं केस 3। केस 3 में क्या होएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। और फिर केस 4, केस 4 में क्या होने वाला है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। और फिर केस 5 में क्या होने वाला है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। और फिर केस 6 में क्या होने वाला है, केस 6 में होने वाला है 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ तक सारे बुलियन एक्सप्रेशंस ट्रू है मेरे, ये सारे ट्रू है मेरे, ये सारे कंडीशंस ट्रू हैं अभी तक। मतलब कि केस 1 भी ट्रू था तो 0 प्रिंट हो गया था, फिर हमने इंक्रीमेंट करा, हम ऊपर आ गए। केस 2 में हमने ये चेक करा, ट्रू हो गया। केस 3 में हमने ये चेक करा, ट्रू हो गया, तो फिर प्रिंट हो गया। केस 4 में ये चेक करा, बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, तो हमने 3 प्रिंट कर दिया, फिर 4 प्रिंट कर दिया, फिर 5 प्रिंट कर दिया। पर पंगा अब आता है कि जब केस 7 आ गया, केस 7 में क्या होएगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये यहाँ हो जाएगा फॉल्स, ये यहाँ हो जाएगा फॉल्स, केस 7 हो जाएगा फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं एग्जीक्यूट होने वाला,
ये नहीं एग्जीक्यूट होने वाला और हम बाहर आ जाएंगे। तो इसे एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। मैं 5 इनपुट करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं 0 0 कंडीशन, ये केस 1 ट्रू था। फिर हमने प्रिंट कर दिया, 0 प्रिंट हो गया और देन वी मूव डाउन, हमने इटरेशन को प्लस करा। फिर केस 2, ये हमारी अब नई बूलियन एक्सप्रेशन, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है तो फिर 1 प्रिंट हो गया। अब हम आगे अगली नेक्स्ट केस में, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, 2 प्रिंट हो गया। 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, 3 प्रिंट हो गया। 4 ट्रू है, 4 प्रिंट हो गया। 5 ट्रू है, 5 प्रिंट हो गया, पर 6 ये फॉल्स हो गया। तो अब हम लूप से बाहर आ गए। तो केस 7 में हम लूप से बाहर आ गए और ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट वाइल लूप। इसमें बूलियन एक्सप्रेशन आप देते हो और जब ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाती है तब आप वाइल लूप से बाहर आ जाते हो। तो जब ये बूलियन एक्सप्रेशन जैसे इस केस में फॉल्स होगी तो आप वाइल लूप से बाहर आ जाओगे। अब इसी वाइल लूप का एक और तरीका है लिखने का, इसी वाइल लूप का एक और तरीका है लिखने का, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मैनर है। तो वाइल ट्रू, ये बूलियन एक्सप्रेशन ये ट्रू है, मैंने बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू लिख दी, मतलब ये हमेशा ट्रू ही रहेगा, ये हमेशा ट्रू रहने वाला है। और फिर इसके अंदर, इस केस पर हम बाद में आते हैं, इसको इसको बाद में देखते हैं। और फिर ये चीज़ें हम सेम कर रहे हैं यहाँ कि हम इटरेशंस को प्रिंट कर रहे हैं, इनिशियली 0 था, हम इटरेशंस को प्रिंट कर रहे हैं। और फिर इटरेशंस प्लस प्लस, ये होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इटरेशंस इज इक्वल टू इटरेशंस प्लस 1, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। हमने इनिशियली ये लिखा था ना, ये बहुत लंबा होता है, तो इसका सिंपलर फॉर्म होता है इटरेशंस प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट कर देता है एक से अपने वेरिएबल को, इटरेशंस प्लस प्लस। तो ये इसका बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है। तो इस वाइल लूप में क्या हो रहा है, पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि आउटपुट हमारी सेम रहने वाली है। आउटपुट अगर मैं 5 करता हूँ, आउटपुट सेम रहने वाली है, 0 1 2 3 4 5। पर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ आता है मेन, कि कंडीशन मैंने ट्रू लिखी हमेशा और यहाँ ब्रेक लिख दिया। अब ये क्या होता है, इसके भी हम केसेस देखते हैं। तो अज्यूम करते हैं कि जो हमारा नंबर यूजर ने इनपुट करा है, इस बार थोड़ा छोटा नंबर इनपुट करा है, नम इज इक्वल टू 3, 3 नम इज इक्वल टू 3 का केस देखते हैं हम। तो केस 1, रुको, हाँ केस 1 में क्या होने वाला है, आप चेक, केस 1 ट्रू तो आप अंदर चले जाओगे। केस 1 तो मतलब कि हमेशा ये ट्रू रहने वाला है, हमेशा ये ट्रू रहने वाला है। पर मैं इसके साथ अपना ये भी लिखने वाला हूँ, इसके साथ मैं अपना ये भी लिखने वाला हूँ, जो इफ कंडीशन है, जो इफ कंडीशन भी है ना इसके साथ। इफ कंडीशन की वैल्यू क्या है इस केस में, इफ कंडीशन तो है ट्रू, सॉरी इफ कंडीशन है फॉल्स। तो केस 1 में क्या है, बूलियन कंडीशन है ट्रू, ये तो हमेशा ट्रू रहेगी, और जो अंदर मैंने इफ कंडीशन करी है इटरेशन ग्रेटर देन नम, ये तो फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो हम इसके अंदर जाएंगे नहीं केस 1 में, क्योंकि 0 इज नॉट लेस देन इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स है। अब हम आते हैं केस 2 में। केस 2 में वाइल में तो मैंने ट्रू ही लिखा है, पर मैंने इफ में क्या लिखा है, इफ भी फॉल्स होने वाला है। इटरेशन प्लस प्लस करके अब इटरेशन की नई वैल्यू तो होगी 1, 1 इज ग्रेटर देन 3, नो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो इफ कंडीशन तो मेरी फॉल्स थी, तो इफ के अंदर हम जाने नहीं वाले। अब आ गया केस 3, वाइल एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है, मैंने वाइल एक्सप्रेशन में बूलियन एक्सप्रेशन ही ट्रू लिखा है, तो वाइल का बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू रहने वाला है। और फिर इसमें मेरा इफ क्या होने वाला है, इफ भी फॉल्स होने वाला है। तो इनिशियली 0 था, पहले तो इटरेशन 0 था मेरा, ऐड कर दिया, अब इटरेशन 1 था, 1 इज ग्रेटर देन 3, ये भी फॉल्स है। अब इटरेशन केस 3 में 2 है, इटरेशन की वैल्यू 2 होगी, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, ये भी फॉल्स है। तो मैं यहाँ पर साथ में ये भी लिख देता हूँ कि इटरेशन की वैल्यू क्या है, शॉर्ट फॉर्म फॉर आई, आई इस केस में 0 थी, इस केस में आई 1 थी, इटरेशन की वैल्यू इस केस में आई 2 थी। तो अगले केस पर आते हैं, केस 4। केस 4 बूलियन एक्सप्रेशन तो हमेशा ट्रू है, हम अंदर आ जाएंगे वाई लूप के, और इफ ये भी फॉल्स रहने वाला है, क्योंकि आई अब इस केस में आई है 3, तो आए 3 तो ये फॉल्स क्यों होने वाला है, इटरेशन इज ग्रेटर देन नम, 3 इज ग्रेटर देन 3, ये तो फॉल्स है,
थ्री इज नॉट ग्रेटर देन थ्री, ये फॉल्स है, तो हम ये वाई हम इफ कंडीशन में जाने नहीं वाले। फिर आता है केस फाइव, आखिरी केस, वाइल एक्सप्रेशन तो ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे, और इफ क्या कहता है, इफ इस केस में हो गया ट्रू क्योंकि आई इज इक्वल टू फोर, फोर इज ग्रेटर देन थ्री, इटरेशन की वैल्यू नम से ज़्यादा होगी तो ये कंडीशन होगी ट्रू, हम इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएंगे। और इफ स्टेटमेंट कह रहा है ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है लूप को तोड़ने के लिए, लूप को तोड़ने के लिए, क्योंकि मतलब कि जब ये ट्रू हो जाएगा और ये ब्रेक एग्जीक्यूट होएगा, ये ब्रेक लूप को तोड़ देता है, जो भी लूप चल रहा है तब से, ये जो भी लूप चल रहा है केस वन केस टू केस थ्री केस फोर, पर केस फाइव पर आके जब इटरेशंस की वैल्यू है फोर तब ये हो जाएगा ट्रू और ब्रेक, मतलब लूप विल एंड, लूप एंड हो जाएगा। इसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं थ्री इनपुट करता हूँ तो क्या आउटपुट आती है, मैंने नंबर दिया थ्री जहाँ मैंने ये अज्यूम करा था थ्री, तो फिर क्या होता है जीरो केस ये हो जाता है सही, वन केस हो जाता है सही, टू केस हो जाता है सही, थ्री केस भी हो जाता है, पर व्हेन आई इज इक्वल टू फोर तब ये कंडीशन होगी ट्रू, इफ स्टेटमेंट होगी हमारी ट्रू और लूप हो जाता है ब्रेक, तो इसलिए लूप टूट जाता है यहाँ। अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा तो ये लूप चली जाएगा, इनडेफिनेट लूप कहते हैं इसे, इनडेफिनेट लूप कहते हैं इसे जो चलता रहता है, तो कोई ना कोई ब्रेक कंडीशन हमेशा होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ब्रेक कंडीशन वॉज इन साइड द बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब कि द बुलियन एक्सप्रेशन डिसाइडेड व्हेन टू ब्रेक, जब ये फॉल्स हो जाएगी तब तो ब्रेक हो जाएगा लूप, हम अंदर जाने नहीं वाले, पर इस केस में तो मैंने ट्रू लिख दी बुलियन एक्सप्रेशन, तो फिर जो ब्रेकिंग कंडीशन होती है वो हमारे लूप के अंदर आ जाती है। जब आप व्हाइल एक्सप्रेशन के बुलियन को ट्रू ही लिखते हो तो फिर आपको ब्रेक का कंडीशन अंदर लिखना होता है, पर अगर अपर आप यहाँ से आप सिंपली बुलियन एक्सप्रेशन में भी लिख सकते हो, कभी कभार ये यूज होता है फॉर्मेट, आप बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर आप ब्रेक पॉइंट डिसाइड करते हो या फिर आप लूप के अंदर ब्रेक पॉइंट डिसाइड करते हो और ये हमेशा ट्रू रहता है, तो ब्रेक क्या करता है लूप को बेसिकली ब्रेक कर देता है। अगर मैं ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड करूँ फिर देखना क्या होता है, अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट ना इंक्लूड करूँ फिर देखना क्या होता है, ये इनडेफिनेटली चली जाएगा। मैं एंटर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस पाँच तक प्रिंट हो, मैंने इनपुट फाइव करा है पर ये चली जाएगा चली जाएगा चली जाएगा, आप देख सकते हैं ये यहाँ तक पहुँच भी गया, ये 420,000 तक पहुँच गया, 400,000 तक पहुँच गया। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट कहीं लिखी ही नहीं, तो ये यहाँ तक ये यहाँ शुरू होता है पर ये चली जाता है चली जाता है चली जाता है, ये इंक्रीमेंट हो ही जाता है कभी ब्रेक नहीं होता क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिखी नहीं है। पर अब मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लिख दी तो इसको पता है कि कब ब्रेक करना है लूप को, इसको पता है कि जब पाँच से ज़्यादा हो जाएगा तब ब्रेक कर लो, मतलब कि जब फाइव से ज़्यादा हो जाएगा, जब सिक्स हो जाएगा तो उसे प्रिंट नहीं करना, तब लूप ब्रेक कर दो। तो ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट, पर इस केस में मैंने यहीं पर ही लिख दिया था, ये भी सही फॉर्मेट है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, और ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है लिखने के लिए, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है व्हाइल लूप को लिखने के लिए। तो ये था सबसे सिंपलेस्ट व्हाइल लूप, हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड व्हाइल लूप भी पढ़ने वाले हैं, डू व्हाइल लूप्स भी होते हैं, फॉर लूप्स भी होते हैं, हर एक टाइप ऑफ लूप पढ़ने वाले हैं, पर ये सबसे सिंपल व्हाइल लूप होता है। और व्हाइल लूप चलता कैसे है कि आप व्हाइल लूप को कोई कंडीशन देते हो और उस कंडीशन के बेसिस पर वो लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, जब तक कंडीशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टूट जाएगा, अगर आपने कंडीशन लिखी है यहाँ पर। अगर आपने यहाँ ट्रू लिखा है तो आपको कंडीशन इसके अंदर लिखना होता है, अगर आपने यहाँ ट्रू लिखा है, अगर ये हमेशा ट्रू होने वाला है तो आपको कंडीशन लूप के अंदर इंक्लूड करनी होती है, और ब्रेक स्टेटमेंट के साथ लूप के अंदर आप कंडीशन इंक्लूड करते हो और फिर ब्रेक कर देते हो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये दो मेथड्स हैं व्हाइल लूप लिखने के लिए, और अगले लेसन में हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लूप्स देखने वाले हैं।